हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई लोग कैसे हो आप लोग? तो भाई देखो, आज हम लोग पीवीपी खेल रहे हैं, पीवीपी बोल रहा हूँ, जीवीएल खेल रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल अपने वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें हम लोगों ने जो टीम ली थी गाइस वो थी अल्ट्रा लीग की, और ये है अल्ट्रा लीग प्रीमियर कप। सो गाइस, कल काफ़ी मतलब बढ़िया दिन था मेरा, मतलब परसों वाली वीडियो में काफ़ी अच्छा खेला मैं। बट कल गाइस ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे प्रीमियर कप ट्राई किया गाइस, और मैंने देखे बहुत सारे पोकेमोन ऐसे रखे जो यूज़ नहीं कर रहे थे गाइस। तो ये पहला मैच तो यूँ ही जीत गया गाइस। तो मैंने फिर टीम बनाई प्रीमियर कप पे, और टीम इतनी खास नहीं है गाइस, अब देखेंगे। बट अरे चलो भाई खेलते हैं गाइस। और भाई ये टीम मैंने पहली बार ट्राई की है लाइफ में, भाई मस्त परफॉर्म किया है। तो जैसे कि आप लोग मेरा देख रहे हैं मैच चैम्प, यहाँ पर मैच चैम्प। तो इसका जो यार ये क्रॉस चॉप को छोड़ के जो दूसरा रॉक स्लाइड अटैक है गाइस, ये बिल्कुल बहुत खतरनाक अटैक है गाइस। उस अटैक की वजह से शायद से वो गेम रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, या फिर इन गेम में आगे देखने को मिलेगा इस भाई। उस अटैक ने कमाल किया भाई, कमाल किया है। तो भाई अभी हमारे सामने ब्लास्टवाइज है, तो ब्लास्टवाइज जैसे वाइल्ड टाइप पोकेमोन है, बट मैं इस पर फिर भी क्रॉस चॉप पहले जा रहा हूँ, मेरा चलने तो जो चल रहा है गाइस। तो अभी अपन ने यहाँ पर ग्रास टाइप पोकेमोन ले लिया है। मेरा मतलब मेन रहता था गाइस, मैं शील्ड बचा लूँ। पता नहीं कौन सा पोकेमोन बैक में रखा है इन लोगों ने। तो गाइस सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे चारिज़ार्ड से हो रही है यार, और गाइस चारिज़ार्ड बहुत दिक्कत कर रहा है गाइस। तो आप लोगों को एक बात बताऊंगा, एक अपडेट आने वाला है, तो 5 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक शायद हम लोगों को हर मंडे ना एक मिलेगा, पता नहीं कितने मिलेंगे, रिमोट रेड पास मिलने वाले हैं गाइस। तो सही है ना, अपडेट आ गया गाइस। तो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो सकता है, वो चेक कर लेना, पोस्ट अपलोड कर रखी मैंने चैनल पे, कम्युनिटी टैब चेक कर लेना एक बार अपना, तो वहाँ पर मैंने वो कर रखा गाइस। और गाइस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, ये अच्छी बात नहीं यार, कैसे कर रहे हो यार। तो गाइस यहाँ पर हम दूसरा मैच भी जीत गए। पहला मैच भैया ऐसा था कि सामने वाले बंदे की भड़ गई थी, दूसरे में भी मतलब सब कुछ क्लियर हो जाता है गाइस। अभी हम लोग ऐसी स्टेज पर कि सामने वाला बंदा समझ जाता है कि अब तो हार ही गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से मतलब दूसरा मैच शुरू किया जाए। तो गाइस स्वैम्पर्ट और अपने इसकी मतलब टक्कर कुछ खास नहीं है, बट हम लोग इस पर भी फाइटिंग टाइप अटैक ही ट्राई करेंगे गाइस, क्योंकि रॉक स्लाइड का इस पर कुछ खास असर नहीं, मैंने ट्राई किया था यार। डैमेज लगभग बराबर ही है दोनों का, मतलब इस पर डैमेज लगभग बराबर ही पड़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो क्रॉस चॉप ही मारते हैं। तो यहाँ पर एक एडवांटेज मिला मुझे, जो कि बाद में थोड़ा दिक्कत होगी गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसको एक शील्ड देने की सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि इतनी मेहनत की है इसने यार, अकेले ने पेला है उसको। फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के लिए तो यार एग्रोन मतलब एक तरीके से यार गलत सीन कर देता गाइस। तो यहाँ पर वही सर्प अटैक, मतलब वाटर टाइप अटैक तो यार दिक्कत करेंगे यार, रॉक टाइप प्लस स्टील टाइप है गाइस, डबल डैमेज हो रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक शील्ड देके काफ़ी है, बाकी ओके गाइस। तो ये पोकेमोन थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसलिए मैंने स्विच कर लिया है, और शील्ड मैंने यूज़ कर ली है, क्यों कर ली, ओके। इसके ऊपर थोड़ा क्रॉस चॉप का थोड़ा है, इस पर है दबदबा है गाइस। अलोरन मक के लिए वैसे सबसे अच्छी वीकनेस उसकी ग्राउंड टाइप है गाइस, ग्राउंड अटैक हो तो मक्की तो धज्जे उड़ जाती है। जितने भी पॉइजन टाइप पोकेमोन है गाइस, उन लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस ग्राउंड टाइप ही होती है गाइस। तो यहाँ पर मैं इस पर ग्रास टाइप अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि पॉइजन का इस पर कुछ खास असर नहीं है गाइस, ग्रास का अच्छा खासा असर है। तो अब हमारा बस जो टक्कर है वो देख रहे हो गाइस, कैसे जीत कैसे रहा हूँ मैं यार। तो गाइस अगर ऐसी मतलब सीरीज़ आपको देखनी है तो कमेंट करना, क्योंकि हम लोग चैनल को दो पार्ट में डिवाइड करने की सोच रहा हूँ गाइस। एक तरफ अपना पीवीपी और ये चलेगा गाइस, और एक तरफ चलेगा अपना गाइस अपडेट्स और हवाबाजी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा अपना, बट अगर रॉक स्लाइड अटैक पड़ जाता है इसके ऊपर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मैं शील्ड बचा रहा हूँ गाइस। तो मेरा फोकस रॉक स्लाइड पर है गाइस, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास एग्रोन रखा हुआ है, तो हमने उतना टेंशन नहीं है। बस ये है कि अगर बैकमैन के लैपरास हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्नोरलैक्स हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ठीक है। काफ़ी गलतियां कर रहा हूँ मैं गेम में गाइस, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, मैं अपने बढ़िया बढ़िया पोकेमोन को यूँ ही मतलब। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपना मतलब 200 IQ, मतलब इतना दिमाग नहीं उतना दिमाग लगा दिया मैंने इस गेम में गाइस। तो ग्राउंड अटैक कर रहा सामने वाला है, ड्रिल रन, तो काफ़ी रिस्क वाला अटैक है गाइस वो। तो मैं यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उसको है ना रॉक से दिक्कत हो रही है गाइस,
तो क्योंकि बग टाइप है तो रॉक से दिक्कत होनी है, तो मैंने इस पर शील्ड लगा दी गाइज, क्योंकि अपने को ही बंदा मांगता है गाइज, अपने को क्या है ड्रैगनाइट को पेलना है किसी भी हालत में गाइज। तो मैंने यहाँ पर इस पर 4 अटैक नहीं किया गाइज, मैंने वेट किया उसको ख़त्म होने का, क्योंकि जो रॉक स्लाइड था वो मैंने अपने भाई के लिए बचा के रखा था गाइज, उसको बाद में प्यार देंगे। तो यहाँ पर एक एडवांटेज मिल गया गाइज, अगर सपोज लास्ट में 4 ही शॉट होता तो गेम ख़त्म था अपना। तो इस पर मैं सोच लिया कि ग्रास टाइप अटैक करेंगे और खेल ख़त्म करेंगे गाइज। रॉक ब्लास्ट का कुछ खास असर नहीं हुआ अपने को। चलो भाई, हाँ गाइज आप लोग सोच रहे हो फ्रेंजी प्लांट कहाँ पर है, फ्रेंजी प्लांट गाइज मेरे पास नहीं है। फ्रेंजी प्लांट पे थोड़ा कन्फ्यूज हूँ गाइज, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक ही एलाइट चार्ज टीएम है, किस पे यूज़ करूँ यार, या तो मैं इसको दे दूँ या फिर मैं मेटाग्रोस को दे दूँ गाइज। तो अभी मैंने दोनों में से किसी को नहीं दिया है, वेट कर रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत होगी तो देखा जाएगा गाइज। तो ये देखिए गाइज, मैचम वर्सेस मैचम्प, वाह। तो यहाँ पर ये पोकेमॉन थोड़ा रिस्की है मेरे लिए, क्योंकि अपना एग्रोन है वो फाइटिंग टाइप को बिल्कुल नहीं झेल पाता गाइज, बिल्कुल भी नहीं झेल पाता है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है मैं इसको शील्ड दूंगा गाइज, मैं उसकी हेल्थ को बिल्कुल ख़त्म कर। अच्छा, मैंने स्विच कर लिया, ओके ओके, तेज हो रहा हूँ मैं भी धीरे धीरे, है ना। सो गाइज ये स्विच वाला मैंने सीन ऐसे किया गाइज, एक हाथ से होता नहीं, मैंने दोनों हाथ से, दो हाथ का यूज़ किया गाइज यहाँ पर। तो अपना वही ग्रास अटैक जिंदाबाद है यहाँ पर, स्टार्टिंग से मैं ग्रास अटैक कर रहा हूँ गाइज, कोई मतलब दोहरा ही नहीं है इस पर, शील्ड लगाए ना लगाए अपन स्टार्टिंग से ग्रास अटैक करेंगे गाइज। फ्रेंजी प्लांट इसीलिए अच्छा रहता है गाइज। तो इसका यार डार्क अटैक होने वाला है, मुझे डार्क अटैक से भी डर है और इसका पॉइजन अटैक से भी डर है गाइज, क्योंकि पेना सोर यार डार्क अटैक भी नहीं झेल पा रहा है। एक गेम में फॉल प्ले से मैं बड़ा गंदा मात खाया था गाइज। तो गाइज यहाँ पर अपन की सारी लिखा पढ़ी ख़राब हो गई गाइज, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अभी अपना एग्रोन संभालिएगा, सब कुछ अब एग्रोन के हाथ में गाइज। तो काफ़ी बढ़िया खेला यार अपना ये मैचम। सो गाइज मैचम के आप अगर आपको कोई भी मूव सेट देखना होगा गाइज, मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना गाइज, वो प्लेलिस्ट धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी गाइज जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये मैच हम लोग क्लियर विन है गाइज, अब क्लियर विन है गाइज। फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है सामने, वाटर एंड फ्लाइंग टाइप, तो सीधे खूंटा गाड़ दिया। तो ये भी ख़त्म, शील्ड अपने पास, शील्ड भैया रहीसियत। सो गाइज ऐसे जीते हम लोगों ने 5 के 5 मैच गाइज, मज़ा आ गया गाइज, पता भी नहीं चला। स्टार्टिंग का पहला मैच लग था गाइज जिसमें कि सामने वाले बंदे ने पहले ही एग्जिट मार लिया, और वीडियो की लेंथ ड्रटी नहीं गाइज, ड्रटी नहीं मिल रही है, वाह। तो यहाँ पर हम लोगों ने डबल कैंडीज लेने का सोचा गाइज, 7 कैंडीज निकालेंगे इससे, आईवीज 100% तो होगी नहीं, तो ट्रांसफर ही मारना है गाइज। जिन लोगों का ड्रटी नहीं उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, साला ट्रांसफर मार रहा है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, और रैंक 8 के वेरी क्लोज है गाइज, बाय बाय गाइज, थैंक यू।